पकड़ 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 पकड़। चला फोटो अब उसको मारने के लिए। लगातार पिछले 3 दिन से जो बारिश हो रही थी वो आज थोड़ा थम गई है। और चाची मेरे को फूल दे रही है, और ये फूल है मुंडवे का। क्या प्यारा डिजाइन बना हुआ है, और उतना ही प्यारा हमारा गांव खमोली। और खेतों में देखो लंगूरों ने ककड़ियों के क्या हाल कर दिए हैं। सामने हिमालय पर्वत पर कितनी सारी बर्फ गिरी हुई है, तो आधा ही हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है, लेकिन जितना भी है बहुत प्यारा है। तो माँ और बापूजी नाराज हो गए, तब क्या कर सकते हैं। तो चलो, होता है कभी कभी। और आज का जो काम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ प्लास्टर किया। और फिर जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और लगातार पिछले 3 दिन से जो बारिश हो रही थी वो आज थोड़ा थम गई है, और बीच बीच में सूर्यदेव भी थोड़ा बहुत दर्शन दे रहे हैं। और मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हो रखा है, तो आपको सही से दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो नज़ारे में बोल रहा था, तो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा माहौल हो रखा है, और सामने ना इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है बहुत तगड़ी वाली। तो जैसे ही वहाँ से बादल हटेंगे तो फिर चमचमाता हुआ हिमालय, और हिमालय काफ़ी नीचे तक बर्फबारी हो रखी है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और यहां से सूर्यदेव बीच बीच में दर्शन दे रहे हैं, और बादल भी काफ़ी हैं काले काले, लेकिन आज लग रहा है मौसम ठीक रहने वाला है, लेकिन काले बादल भी ज़रूर देखने को मिल रहे हैं अभी। और सुबह सुबह मिस्त्री लोग भी पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं ठंडे ठंडे मौसम में चाय का आनंद। और आज का जो काम है वो चिनाई का पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मौसम का कभी भी भरोसा नहीं है, बारिश आ सकती है। और बाकी यहाँ पीछे की ओर प्लास्टर करेंगे। और यहाँ दिखाऊं तो इधर हैं बापूजी, तो बापूजी लगे हुए हैं धुरसा फुर्सी पे। तो ऊपर छत में जो चिनाई करने का काम है वो कंप्लीट हो गया है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अब बनाया जा रहा है यहाँ पीछे मसाला। तो आज यहाँ पर प्लास्टर होने वाला है, मतलब अंदर भी काम बचा हुआ है, लेकिन वो बारिश के दिन के लिए बचा दिया। बारिश आएगी तो फिर अंदर करने के लिए हो जाएगा, तो फटाफट अब यहाँ पर मसाला बनेगा और फिर यहाँ पूरा प्लास्टर हो जाएगा। अभी उस साइड का ही बचा हुआ है, वहाँ से शुरुआत करेंगे इधर के लिए। और यहाँ देखो हमारा बोटू जा रखा था लंगूर भगाने के लिए, और लंगूर भगा के वापसी आ गया है जहाँ पर हमारी नई मकान बन रही है। हेलो बोटू, काफ़ी थक गया है। हेलो रूबी, कहाँ जाते हो, पी लिया पानी? तो भोटू के साथ साथ मैं भी अभी खेतों में आया हूँ, क्योंकि सामने एक बड़ा सा लंगूर है। उसको देख के तो नहीं डरेगा, लेकिन भोटू को देख के शायद डर जाए। भोटू चल, पकड़ 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 पकड़। चला भोटू अब उसको मारने के लिए। चल चल, यहाँ नीचे देखो कितने सारे हैं। भोटू तो उसको पीछे भाग गया, बाकी यहाँ नीचे देखो कितने सारे हैं। चल जा। तो जो लंगूर हैं वो अभी वहाँ नीचे के लिए चले गए हैं। और अभी स्क्रीन पे देखिए तो यहाँ पर है माँ, और माँ देखो कच्चा ही जो झंगोरा है वो लवाई कर रही है।
पक गया? कुछ पका हुआ है, कुछ बारिश से सड़ भी गया है और कुछ बहुत कच्चा है। सुबह 8 बजे से लोग भगाते भगाते बहुत और मेरी हालत खराब हो गई। अच्छा, कहाँ थे? लंगूर तो था ही नहीं, अभी आए, अभी तो आए लंगूर। जा रहे तब तक वहाँ पुंगड़ सारा भरे रखा था, तब कहाँ गए घास के लिए, थोड़ा वहाँ पे काटा आधा कहने खाए। और तब से तो यही हूँ, ना घास निकाला ना लवाई हो रही। कितना दिन हो गए लवाई के लिए? कितना दिन हो गई, एक कंडी तई मैंने लाई, आधा दो कंडी, एक दिन बरसात में काटे मैंने एक छोटी कंडी। अब नहीं है, अब इतना ही बचा हुआ, दो तीन दिन के लिए होगा मेरे लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लेटा हुआ है, अगर खड़ा रहता तो उसको काटने में आसानी होती। और यहाँ दिखाऊँ तो इधर बोटू महाराज माँ बोल लिया, सुबह से थक गया तो बोटू एक बार ऊपर चले गया था और मेरे साथ साथ नीचे भी आ गया। ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे, उसको पानी चाहिए। पानी दे दिया था उसको, उसको दिया पानी, उसके बाद रूबी आया, रूबी को पानी पिलाया। क्यों बोटू अभी भी जाएगा लंगूर भगाने के लिए? थकान लग गई बेचारे को। तो कल इसी खेत में हम आए थे ककड़ियों के लिए, कल तो यहाँ दिखी नहीं लेकिन आज दिख रही है और हल्की पीली भी हो गई है। तो चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, किसी को चाहिए होगी तो फिर निकाल देंगे। बाकी मैं अपने लिए एक छोटी छोटी ढूंढ रहा था, अगर छोटी छोटी मिल जाती तो वो मैं खा लेता। और भोटू को इतनी ज़्यादा थकान लगी हुई ना, तो भोटू थोड़ा उठ रहा है, फिर मतलब छाया पे लेट रहा है या तो जहाँ पे पानी है वहाँ पर लेट रहा है। गर्मी भी होगी शायद, आज थोड़ा धूप ने दर्शन दिए थे और एक बार फिर बादलों के पीछे सूर्यदेव चले गए हैं। और जब धूप लग रही है ना तो इतनी ज़्यादा तेज़ लग रही है कि मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा है धूप पे। पर चलो, 3 दिन की बारिश के बाद ऐसी धूप लग जाए तो थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, नहीं तो घिचपिच हो गया था 3 दिन से। और मैंने आपको कल बताया था कि कल अगर धूप लगेगी तो जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो सच हो जाएगी और उसको हम मानने लग जाएंगे। तो हाँ, 3 दिन बारिश के लिए बोला था, 3 दिन बारिश हुई और उसके बाद धूप बोला था, तो आज धूप भी लग गई। तो माँ अभी जो लवाई कर रही है मंडुए की, तो मंडुए की अगर मैं बाली आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसी बालियाँ इसकी होती हैं, एकदम उंगलियों की तरह ये आप देख सकते हैं। और ये पूरी लेटी हुई है तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, और कुछ कच्ची है और कुछ सड़ भी गई है। ये देखो, पकने के बाद कुछ ऐसे हो जाता है ये काला काला, और जब हम इसकी मंडाई करेंगे तो उस टाइम देखना ये कितना काला रहता है। और इसका जो आटा होता है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, तो इसका जो आटा है वो भी हल्का काला होता है, इसकी काली रोटियां बनती हैं। लेकिन बोल रहा हूँ ना, बहुत पौष्टिक होता है, शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और शुगर पेशेंट के लिए तो बोलते हैं ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल मार्केट में जो मंडुआ है उसके बिस्किट भी मिल रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो मंडुआ बहुत होता है तो हम बिस्किट नहीं, हम अपने घर में बिस्किट की तरह मोटी मोटी रोटियाँ ही बना देते हैं। तो अभी माँ मंडुए की जो लवाई कर रही थी तो माँ ने फिलहाल काम रोक दिया है लवाई करने का, क्योंकि अब थोड़ा छबीली के लिए घास भी लाना है। तो जो माँ ने मंडुआ लवाई किया वो कंडे में भर के मैं घर लेके जा रहा हूँ, और मेरे आगे आगे बोटू भी चल पड़ा घर की ओर। बोटू तो कई बार आ गया खेतों से घर, लेकिन जैसे ही लंगूर देख रहा है फिर खेतों में भाग रहा है। तो आज बोटू की भी गड़बड़ी में बोलते ना छाँस छुएगी, मतलब बहुत भाग दौड़ हो गई। पर चलो, कभी कभी भाग दौड़ होनी चाहिए। तो परसों बोटू काफ़ी डर गया होगा जब बोटू ने 2 लंगूरों को पकड़ा और उसके बाद 20-25 लंगूर बोटू के ऊपर टूट पड़े थे, पर फिर भी बोटू आज उनको भगाने गया। नहीं तो कोई कुत्ते ऐसे होते हैं जिनको एक बार डरा दिया वो फिर जाते ही नहीं है।
तो अभी घर पहुंच गया हूं और स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना तैयार है। खाने में एक बार फिर स्वादिष्ट ककड़ी वाली कड़ी है, उसके साथ भात है, हरी सब्जी है और पापड़। हम लोग तो खाना खा रहे हैं लेकिन यहाँ देखो थकान लगी बहुत ज्यादा, अकेले खाएगी तब खाना, कोई बात नहीं। दोस्तों शाम के 4:30 होने वाले हैं और सुबह से अभी तक मौसम ने हमारा साथ दिया है। मौसम एकदम बढ़िया है, चमचमाती हुई तेज धूप लगी हुई है और शाम के 4:30 बजे मैं लेके जा रहा हूँ चाय मिस्त्री लोगों के लिए। हेलो छबीली, हेलो। तो छबीली के पास जो भी घास डाला होगा छबीली ने साफ खा लिया और अभी जुगाली कर रही है। हेलो मैं तो चाय लेके मैं पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान पे, लेकिन यहां पर मुझसे लोग इतना बिजी हैं कि वो चाय पीने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और आज का जो काम है वो आप देख सकते हैं, यहां से लेकर यहां प्लास्टर किया और फिर ये ऊपर वाला एरिया अभी वो प्लस्तर कर ही रहे हैं। जो परसों चिनाई हुई थी ना ऊपर दीवार की, तो वहाँ तक वो प्लस्तर कर रहे हैं लेकिन धार बनने में बहुत टाइम लग रहा है बस। तो ये धार जो है ना यहाँ से लेकर वहाँ तक बड़ी मुश्किल से बनी है और उस साइड की तो अभी भी बनी रही है। अगर सिर्फ छापने का काम रहता प्लस्तर फटाफट हो जाता। और ऊपर भी अभी एक भाई साहब लगे हुए हैं, वहाँ भी ऐसी एक प्यारी सी धार बनानी है। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो भाई साहब यहाँ पर हैं, दूसरे भाई साहब हैं और ये दोनों छोटे छोटे भाई भी लगे हुए हैं खुचुर पुचुर करने पे। और इधर चाचा जी बड़े गौर से देख रहे हैं। तो मिस्त्री लोग तो अपने काम पे लगे हुए हैं, तो मैं अभी आया हूँ खेतों की ओर। सुबह जिस खेत में आया था माँ के लिए लवाई कर रही थी, लेकिन अभी माँ के साथ साथ यहाँ देखो बापू जी चाय का थर्मस लाया है हमको, हम 1 बजे आ गए थे यहाँ खेत में। अब मुझे क्या पता कौन कहाँ है, इसने सोचा होगा कि मेरे मम्मी पापा लवाई कर रखे हैं चाय ले जाते हूँ। मैंने तो अभी देखा जब यहाँ पहुँचा मैं। अब घर जाओ। अरे बुड्ढे, हम बुड्ढे लोग हैं, ख्याल करो यार। बड़ा वाला कन्ना एक संगेरा, दूसरा कन्ना इतना लवाई कर दिया हमने, पर देख के आंख लाल हो गए। चाय कहाँ गया, हमें क्षमा करें। तो ऊपर चाची भी है, तो आज सब लोग लगे हुए हैं लवाई करने पे और माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है कि मैं आज चाय नहीं लेके आया, नजरें मेरी वहीं थी। बल बाबू जी रहता ना घर में, बाबू जी ने चाय लेके आना था यहाँ, बुढ़िया वहाँ है चाय ले जाना बुढ़िया को। एक थर्मस था वहाँ पे, वो भर के मैं ले आया था, वो मिस्त्री लोगों ने पी ली। तो 5 बजी गई है, तो अब कुछ टाइम के बाद घर ही जाएंगे, उसके बाद अब घर ही में चाय पीनी पड़ेगी। अब मुझे ऐसा ध्यान रहता है कि आज वहाँ जा रखें लवाई करने के लिए, और दूसरा थर्मस भी था नहीं, मैंने सोचा क्या पता एक थर्मस नहीं है तो गया होगा कहीं ना कहीं, तो इसीलिए आज मैं चाय नहीं ले आया। तो माँ और बापू जी नाराज हो गए, तब क्या कर सकते हैं। तो चलो होता है कभी कभी। और सामने देखिए, सुबह तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं हुए लेकिन अभी देखिए शाम के टाइम पे ब्लरी हो गया। तो ये आप देखिए, तो सामने हिमालय पर्वत पर कितनी सारी बर्फ़ गिरी हुई है, तो आधा ही हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है लेकिन जितना भी है बहुत प्यारा है। धूप में देखो चांदी की चमक लिए हुए है, तो काफ़ी खुशी हुई। जो हिमालय काला पड़ता हुआ जा रहा था वो आज सफ़ेद देखने को मिल रहा है, और सफ़ेद सफ़ेद लंगूरों से हम बहुत परेशान हो गए। ये लंगूर देखो लगे हुए हैं, तो इन लंगूरों की वजह से ही माँ और बापूजी आज दिन में ही आगे यहाँ पर लवाई करने के लिए। और खेतों में देखो लंगूरों ने ककड़ियों के क्या हाल कर दिए हैं, ये देखो आधी ककड़ी खाई होगी तो वो सड़ भी गई है। तो लंगूर ऐसा भी नुकसान कर रहे हैं, खेती यहाँ भी बर्बाद कर रहे हैं मंडुए की, और साथ साथ में ककड़ियों को भी खूब सारा नुकसान पहुँचा रहे हैं।
और आसमान भी देखिए कितना प्यारा देखने को मिल रहा है, नीला आसमान और ये आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल, क्या प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है। और उतना ही प्यारा हमारा गांव खमोली, और माँ और बापूजी भी प्यारे तरीके से यहाँ पर लवाई कर रहे हैं। तो देखो लवाई करने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, और अब दूसरे खेत में लवाई करेंगे। नहीं हुआ, आधा आधा ये हरा नहीं है, तो आधा आधा हरा है वल साइड साइड में, तो वो भी कुछ दिन में हो जाएगा, लेकिन जो ठीक ठाक था वो कंप्लीट हो गया है। और एक कंडा माँ ने रख दिया है, एक बापूजी ने रखा हुआ है, और एक बड़ा सा देखो मेरी पीठ में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इतना लवाई किया माँ और बापूजी ने अभी, तो चलो अब इसको लेके आधे रास्ते तक चले जाते हैं। बाकी अभी तो घर नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ा मिस्त्री लोगों की भी छुट्टी नहीं हुई है, जब उनकी छुट्टी होगी उसी के बाद घर जाएंगे। तो मिस्त्री लोगों की छुट्टी हो गई है, और स्क्रीन पे देखिए जो ये वाला एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कंप्लीट हो गया है। बाकी कल इससे नीचे हो जाएगा अगर रेता आता है, क्योंकि रेता यहाँ पर अब कमी बचा हुआ है, थोड़ा नीचे बचा हुआ है और थोड़ा यहाँ पर ढक के रखा हुआ है, वो भी छानना पड़ेगा। बाकी ट्रक वाले भेजी को आज शाम को आना था, लेकिन जो रेता है वो मिला नहीं, तो इसीलिए वो कल सुबह सुबह आने वाले हैं। बोला तो है 7-8 बजे आ जाएंगे, बाकी देखो कल क्या होता है, वो तो आ जाएंगे, लेकिन फिर खच्चर वाले भाई लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा, तो मतलब सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तब जाके रेता पहुंचेगा। रेता नहीं पहुंचाएगा तो फिर काम रुक जाएगा। एक और काम भी है हम पे, जो ऊपर मुमती है ना, उसमें टिन की जगह छत डालने की बात चल रही है, तो अगर वो नहीं आते हैं तो सरिया सुरिया काटने का, और साथ साथ में छत डालने के लिए तो पूरा मसाला तैयार है। रेता और जो गिट्टियाँ हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, तो कल की कल देखी जाएगी। यहाँ पर आरुषि है, और उधर कौन है तू, हैं डमरू, कुछ नहीं बोल रहा है। और जी क्या जी, कैसे हो? आई एम ओके। ओके ठीक है फिर, तो भैया ओके कुछ नहीं बोल रहा है। तो एक चंगेरा तो मैं लेके जा चुका था, तो दूसरा कंडा भी यहाँ पर है, ये भी मुझे ले जाना है, और आगे से तो प्लास्टर हो ही गया है, मैंने आपको कल भी बताया था। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर गणेश, अनुष्का और चाची तीनों हैं, और गणेश के हाल देखो, मैंने उसको बोला ककड़ी लेके आवल, हमारे ही खेत से लेके आ रहा है, मैंने बोला था अपने खेत से लेके आना और चाची मेरे को फूल दे रही है, और ये फूल है मुंडवे का, क्यों बना रखा है ऐसे? अच्छा ये अलग मुंडवा है बल, और जो वो वाला है वो अलग है, बस इतना ही हुआ ये। अरे बहुत है। एक वानी से बिगिर गया, लो तब गणेश के लिए देते हैं हम, लगने बीज के लिए। तो अनुष्का लेके जा रही है ककड़ी खाते खाते ये कट्टा, बाकी गणेश के लिए भी कट्टा ही है, अंबुजा सीमेंट की मजबूती जैसा गणेश भी हो रखा है। तो चलो अब मैं भी ले जाता हूँ इनके साथ साथ। तो चलिए अंधेरा हो चुका है और हम सब लोग पहुंच चुके हैं घर पे, और जिस चीज पे कुछ टाइम पहले चर्चा हो रही थी, ये चाय, तो माँ को चाय मिल गई। चाय 1 बजे पिया था, 1:30 बजे के 1 बजे पिया था, उतना टाइम से आप पी रहा हूँ। और भोटो सुनने दे कोई बात तो बोले ना कुछ। ओ भोटो क्या हो गया, बाघ आ गया? चुप रहो, चुप। बोटो को किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही है जो हम नहीं सुन पा रहे हैं, इसीलिए बोटो भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। तो बड़ी मुश्किल से बोटो को अभी मैंने शांत कराया है, उस साइड को उसको आवाज सुनाई दे रही है तो वो डर रहा है, तो इस साइड आके अभी बैठ गया है। ओडी हेलो बोलो,
चाय के तलक लग गई थी, चाय पी लिया, थोड़ा थोड़ा रह गए। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करती हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फिर भूल गई शेयर करो, वो भी दबा के दबा के करना शेयर।